गाइस कैसे हैं आप सब। वेलकम हमारे चैनल पे। ये है माइनक्राफ्ट सीरीज पार्ट टू। और पता नहीं इसमें क्या हो गया, मैंने ट्राई किया पर ये ऑन ही नहीं हो रहा है। शायद से रिसोर्स पैक्स का कुछ है। शेडर्स उड़ा देता हूँ, बस यही रखता हूँ। अब देखते हैं होता है कि नहीं। ठीक है तो ये हो गया, पहले नहीं हो रहा था इसलिए मेरा पूरा एक वीडियो ही क्रैश हो गया। ये क्या है, मैं कहूँ अच्छा, मेरे को लगा कि तो गाइस मेरे को थोड़ा डर लग रहा है। ये भाई इसको नहीं तोड़ना। पता नहीं क्या करना चाहिए। थोड़ी और माइनिंग कर ले क्या, क्या बोलते हो हैं? अरे यार सुबह कब हो गई, एक बार सुबह हो जाए उसके बाद आपको कभी बोर होने नहीं मिलेगा। एक बार बस, ये आपके लिए लास्ट, फर्स्ट एंड लास्ट बोरिंग है। और अगली बार से जब कोई कंडीशन आई बोर होने की तो मैं वीडियो को उतना स्किप कर दूंगा। आपको पार्ट दिखाऊंगा नहीं, सन आ रहा है। अरे यार क्या करूं, ये हो रही है सुबह, हो रही है सुबह। अरे वहाँ पे क्रीपर घूम रहा है, वो यहाँ पे आ गया ना तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। क्रीपर वही तो है, क्रीपर वही होते ही आ गए ना तो फट जाएंगे और फिर सारे मॉब्स इधर आ जाएंगे, बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। अरे दिन में मरते भी नहीं जॉम्बिस तो, दिन में और स्केलेटन्स और जॉम्बिस तो दिन में मर भी जाते हैं लेकिन ये मरते भी नहीं है दिन में। और स्पाइडर्स का भी ऐसा ही, लेकिन स्पाइडर्स दिन में अटैक भी नहीं करते, सिर्फ रात में करते। ड्रोन घूम रहे हैं यहाँ पे बगले में से निकल ले। सुबह कब होगी रे,
तो गाइस मेरे को बहुत बोर हो रहा है। एक क्रीपर आया, क्रीपर आया, क्रीपर आया। सुबह हो रही है, 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 सुबह हो रही है। ये देखो सूरज आ रहा है, क्रिकेट ने हमें देख लिया। सूरज आया, आया सूरज, आया आया सूरज, आया ये ग्लिच के लिए सॉरी, गलती से हो गया था ये। ठीक है मैं अपना सामान लेके इधर से निकलता हूँ। ठीक है चलो मैं निकलता हूँ। मैं निकलता हूँ यहाँ से। देखा ये था क्रीपर कैसे फूटा, देखा ना पूरा पानी हिल गया था। वो देखो स्केलेटन नहीं ज़ॉम्बी घूम रहा है जलता हुआ। ऐसे तो जलते हैं ज़ॉम्बी। ए शिप मिली, शिप मिली, शिप मिली, शिप मिली। आजा 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 घोड़े। ठीक है पहले तो क्या करता हूँ थोड़ा आगे चला जाता हूँ। पहले थोड़ा आगे जाता हूँ फिर थोड़े फ्रीज करता हूँ और फिर अपना टेम्प्रेरी घर बना देता हूँ। इतना लंबा वीडियो बनाऊं 15 मिनट 20 मिनट। देख लो इस एरिया से ना, अगर आप स्टार्टर हो तो इस एरिया से दूर ही रहो।
मैं भी दूर जा रहा हूँ। ये एकदम से अंधेरा कहाँ? अच्छा, मैं अब स्प्रिंट नहीं कर सकता। अरे यार ये चीटिंग है। मुझे एक एक्स चाहिए। चलो एक एक्स सुना ली हमने। इससे हो सकता है हमें एप्पल्स मिल जाए, जिससे बहुत सारा हंगर बढ़ जाता है। और हाँ, मैं स्प्रिंट इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि मेरा ये हंगर बार, देखो ये मेरे राइट कॉर्नर पे। और इस वीडियो में मैं बोलना चाहता हूँ शाउट आउट टू पूजन एंड चैतन्य। ठीक है, इसमें कोई एप्पल्स नहीं है। चलो थोड़ा तो खा लिया। थोड़े और पेड़ काटने हैं। आ जा। चलो मैं इधर ही कर रहा हूँ अपना टेम्प्रेरी सेटअप। इधर के थोड़े और पेड़ काट लेते हैं। ठीक है, मैं अपना छोटा सा घर बना लेता हूँ। ये इतना ठीक रहेगा। और ये इतना ठीक रहेगा, नहीं थोड़ा सा छोटा, दो ब्लॉक छोटा। इतना ठीक रहेगा, छोटा होएगा कि बड़ा होएगा? इसको थोड़ा और बड़ा कर देता हूँ। हाँ अब ये ठीक है। ये थोड़ा छोटा हो गया इसमें। हाँ इतना ठीक है। और इधर एक और ब्लॉक ऐसे, और इसमें ऐसे ऐसे ऐसे। ये क्यों आ गया? रहा है ठीक है। मेरे को पेड़ तो और काटने पड़ेंगे। बहुत सारे वुड की जरूरत है। स्पेशली हमें खाने की जरूरत है, खाने के लिए हम सर्वाइव नहीं कर पा रहे। इसी घर में मैं एक लॉन्ग माइनर को ला रहा हूँ। माइनिंग में मेरे को डायमंड्स मिल सकते हैं। और स्टोन तो मेरे को जरूरत है ही। स्टोन में, स्टोन की मेरे को है ही, और कोल के अभी सबसे ज़्यादा है। हम चारकोल बनाएंगे या फिर वुड से काम चला लेंगे। अरे यार, अरे यार ठीक है। मैं क्राउच कर लेता हूँ सबसे पहले। ये तू इधर आ ताकि मैं वापस से नीचे ना गिरूं।
अब मेरे को और वुड की जरूरत है, चल इसको भी यूज कर लेते हैं। ये ले, अरे यार, ये ले, और मेरा वुड खत्म। देखो मेरे पास थोड़ा बिर्च वुड बचा है, इसको यूज कर सकता हूँ मैं, ठीक है। अरे ठीक है, अरे यार फिर से गिर गया मैं, इसका एक गेट ना देता हूँ घर पे। थोड़ा वुड और चाहिए, शायद से काफी रहेगा मेरे ख्याल से। पहले तो क्राफ्टिंग लेवल जमाऊं इधर, ऐसे डोर बनता है इसको पैरेलल रखने पे, आजू बाजू में ही, ऐसे ऐसे नहीं, ऐसे डोर बनता है, अलग अलग उड़ के अलग अलग टाइप के डोर्स रहते हैं। ये मैंने इसलिए डाला कि डोर कोई खोल ना पाए, और खोल भी पाए तो ब्लॉक हो जाए वो। चलो बस छत बाकी है, और जो नए हैं माइनक्राफ्ट में, जो ये मत सोचना कि ये कैसा घर है, ये माइनक्राफ्ट का बेस्ट घर है जो मैं बना सकता था, मतलब ये बिगिनर के हिसाब से तो बेस्ट ही है। आगे चल के तो हम बहुत मॉडर्न हाउस बनाएंगे अच्छे अच्छे फिर से। लकड़ी ख़त्म, ये देखो डोर ओपन, और उड़ते हैं यार। रात भी होने लगी यार, जल्दी काम करना पड़ेगा। जल्दी जल्दी ठीक है, मैं इधर बेड डालता हूँ, और देखो बेड कैसे काम करता है। रात होने दो, उसके बाद उतरता हूँ। कल मैं चारकोल बनाऊंगा, उससे टॉर्च बनाऊंगा। ठीक है, तो ये 20 मिनट का एपिसोड होने वाला है, इससे भी ज़्यादा का हो सकता है, क्योंकि थोड़ी देर और आपसे नहीं बोल रहा था, मैं अपनी बहन से बोल रहा था, वो फ़ोन मांग रही थी मुझसे। चलो अब सोते हैं, देखो ऐसे हम सो सकते हैं और नाइट स्किप कर सकते हैं। हमारी नाइट स्किप हो गई, अब बाहर का नज़ारा खतरनाक हो सकता है। ये देखो कुछ स्केलेटन घूम रहे हैं यहाँ पे, स्पाइडर भी घूम रहे हैं। ठीक है, मैं
को इधर जाना नहीं यार, लेकिन उसके बाजू में ही मैंने घर बना दिया अपना, मैंने देखा नहीं। ये उस एप्पल के रहा देखो, जरूरी नहीं कि हर एक वाली साइट में बेच हो, लेकिन कुछ कुछ में इसका वो ही रहता है। और देखो एक्स का जो वो होता है ना, मतलब मारने के लिए अच्छा होता है, और शोर तो होती है कॉमन सेंस से। इधर गाय भी है, गाय को भी मार देते हैं। हम लोग स्लो हो गए, हमारे हमको कुक्ड चिकन है, इसमें कुक्ड पार्क चॉप है, पार्क चॉप ऐसा कुछ है, और कुक्ड मीट है, कुक्ड बीफ है। तो देखो मैं भी प्योर वेजिटेरियन ही हूँ, लेकिन ये गेम है यार, इसलिए इसमें करना पड़ता है, गाय को भी मारना पड़ता है। तो हिंदू लोग जो हैं वो बुरा मत मानना। ठीक है, बोरा मत मानना प्लीज। अरे यार मेरे को स्मोकर बनाना, स्मोकर इसमें है ही नहीं। चलो एक चार टॉर्च बन जाएगी हमारी, अब मजा आ गया, अब थोड़ी राहत मिली। भाई साहब अब बस एक चीज करनी है, बस इतना ही चाहिए हमें, 8 ही चाहिए एक चेस्ट बनाने के लिए। तो देखो जैसे फर्नेस बनती है वैसी चेस्ट बनता है, लेकिन एक डिफरेंस है बस, पैटर्न यही है बस, मटेरियल्स डिफरेंट है। फर्नेस बनाने के लिए कॉबल स्टोन रखना पड़ता है ऐसे, और चेस्ट बनाने के लिए वुड रखना पड़ता है ऐसे। इसमें मैं अपना फालतू सामान तो नहीं बोल सकते, लेकिन जो अभी यूज़ में नहीं आ रहा है वो सामान रख सकता हूँ।
अभी ये सब तो, अरे एप्पल तो चाहिए मुझे खाने के लिए, ये सब कुछ नहीं चाहिए अभी के लिए, सब कुछ रख देता हूँ अभी, एप्पल खा लेता हूँ। एप्पल हर एक पेड़ में नहीं मिलता है ठीक है, इसलिए मेरे को ब्लेम मत करना अगर कोई पेड़ में ना मिले तो, ठीक है। चलो भाई मेरे हो गए वो हंगर पूरा हो गया, अभी इधर माइनिंग चालू करेंगे हम। मेरे पास स्टोन कितना, इतना इनफ है क्या? तो एक पिकैक्स और बना लेता हूँ और एक शोबल बना लेता हूँ, ठीक है परफेक्ट है। अब इधर से माइनिंग शुरू करता हूँ, इसमें वैसी माइनिंग नहीं होती है जो मैं ड्रिल से ड्रिल करूँ, वैसी नहीं होती जो लोग मैं उनके लिए बोल रहा। ठीक है मेरे को टॉर्च लानी पड़ेगी, 8 टॉर्च काफ़ी होंगे थोड़ा सा डीप माइन करने के लिए। ठीक है चारकोल ले लेता हूँ, क्राफ्टिंग में जाता हूँ अपनी स्टिक रखता हूँ, चारकोल रखता हूँ। ठीक है मैं बस इतने डिस्टेंस में एक टॉर्च डालूँगा बस, ये डर्ट बोलते हैं इसे माइनक्राफ्ट में और रियल में भी बोलते हैं डर्ट, और इसमें एन्चेंटमेंट्स भी होते हैं जो आप अपने ब्लॉक पे डाल सकते हो, मतलब वेपन पे डाल सकते हो, चाहे वो पिकैक्स और शोबल हो पे नहीं डालता, पिकैक्स और शोबल हो फिर एक्स और सोड हो, बो हो, फिशिंग रॉड हो, क्रॉस बो, मेरे को कोल नहीं मिल रहा थोड़ा सा भी। वैसे मैं बता दूँ ये जो बीच का कॉर्नर दिख रहा है, ये जो मेरा हेल्थ बार है लेफ्ट टॉप कॉर्नर पे मेरा हेल्थ बार है ना, उसके नीचे एक चीज़ दिख रही है पोजीशन, तो उसमें तीन कॉलम्स हैं, तीन नंबर हैं बीच में, जो बीच में नंबर दिखा रहा है नंबर आइकन 57, तो जब वो ऊंचाई का है मतलब हाइट का कोऑर्डिनेट है, ऊपर जाते तो ज़्यादा होते हैं नीचे हो जाते हैं तो कम होते हैं, तो ये जब 12 पे आ जाएगा तब हमें डायमंड मिलना शुरू होंगे। ठीक है यार हमारी किस्मत ही फूटी है, इतना नीचे आ गए लेकिन कुछ नहीं मिला, तो ठीक है यार बारिश हो गई, घर के अंदर पानी लीक हो रहा है। ठीक है यार इस वीडियो के लिए इतना ही, क्योंकि आधा घंटा हो गया, चलो आधा घंटा पूरा ही कर लेते हैं, 29 मिनट्स और 25 सेकंड्स हो गए, आधा घंटा पूरा ही कर लेते हैं। ठीक है